गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम रूप सिंह मीना है और मैं राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कंप्यूटर साइंस लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। जो आज का टॉपिक है हमारा यूनिक्स की बेसिक्स कमांड्स है उनको देखेंगे, जो कि बीटीआर का जो सिलेबस है सब्जेक्ट कोड 303 की यूनिट यूनिक्स कमांड्स नाम से जो यूनिट है उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। उसमें जो बेसिक्स कमांड है यूनिक्स में काम आने वाली है उनको अपन स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। इन यूनिक्स की कमांड्स को फ़ोन में परफॉर्म करने के लिए अपन यहाँ पे जो मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिससे अपन यूनिक्स का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टर्म्यूक्स जो नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स कमांड है जिनको अपन चला के देख सकते हैं। और आपको अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको यूनिक्स की कमांड चलानी है तो अपन वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को अपन जिसको अपन अपने सॉफ्टवेयर अपने पास में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम बना के अपनी कमांड रन करा सकते हैं। सो, ज़्यादा डिटेल में उस पार्ट में जाएंगे अपन बेसिक्स कमांड्स का आइडिया होना ज़रूरी है कि यूनिक्स में अगर आपको काम करना हो तो कौन कौन सी कमांडें हैं और उनको किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं कमांड होती क्या है। कमांड्स वो होती है, वो निर्देश होते हैं जो कि यूनिक्स को काम करने के लिए निर्देश देते हैं। कमांड्स हमेशा टर्मिनल उसमें रन होती है, टर्मिनल पे आप देखोगे तो हमेशा शेल रनिंग मोड में रहती है, तभी अपन बोलते हैं कि शेल। जैसे अपने डॉलर प्रॉम्प्ट साइन है, इसका मतलब क्या है, शेल अपने शेल का साइन है कि शेल अभी रेडी है, जो आप उसको इनपुट दोगे उसको वो प्रोसेस करके आपको आउटपुट दिखा देगी। तो डॉलर साइन उसके लिए है, शेल रेडी के लिए। सबसे पहली कमांड अपन देखेंगे उसके अंदर तो ls कमांड है, जिसका उपयोग करंट जो होम डायरेक्टरी है या जिस भी आप डायरेक्टरी में हो उसकी फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्टिंग करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। ls कमांड है, ls कमांड के साथ में हाइफन लगा के आप ऑप्शन बहुत सारे काम में ले सकते हो। किसी भी कोई भी कमांड हो स्पेस हाइफन और जो भी ऑप्शन आपको काम लेना है, ये सब ऑप्शंस दिए गए होते हैं। हर एक कमांड के कुछ ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा अपन उनको देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हाइफन आर जो ऑप्शन होता है उसके द्वारा सभी फाइल्स के साथ डायरेक्टरी में उपस्थित फाइल्स को भी दिखाता है ये हाइफन आर के द्वारा, यानी रिकर्सिव द्वारा। और हाइफन ए के द्वारा होम डायरेक्टरी में या जिस भी डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो उसमें उपस्थित सभी हिडन फाइल्स को ये दिखाता है। यूनिक्स की सबसे खास बात यह है, अगर आपको कोई कमांड का आइडिया नहीं है और आपको थ्योरी पता नहीं है तो आप इसको तुरंत देख सकते हो कि इस कमांड को काम कैसे करना है। इसके लिए यहाँ पे अपने को मैन कमांड दी गई है, मैन जो कि मैनुअल है अपने यूनिक्स की सारी कमांड का। अगर मुझे मैन ls कमांड के बारे में जानना है तो ये इसके बारे में क्या नाम है इसका, किस तरीके से अब जैसे यहाँ पे ls लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, जिस भी डायरेक्टरी पे आप काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी के सारे कंटेंट की लिस्टिंग कर देता है ये ls ऑप्शन और फाइल या जिस भी आप उसमें हो। तो इस द्वारा इस तरीके से अपन इसके सारी डिटेल्स अपन पता कर सकते हैं। कोई भी कमांड हो जिसका आपको आइडिया नहीं है उसको आप रन करा के यहाँ पे देख सकते हो। तो ls कमांड का उपयोग अपन मोटे मोटे शब्दों में देखें तो करंट डायरेक्टरी में जो भी फाइल्स या अपनी डायरेक्टरी उपस्थित है उनकी लिस्टिंग करने के लिए अपन ls कमांड काम में लेते हैं। नेक्स्ट कमांड है कैट कमांड, जिसका उपयोग टेक्स्ट फाइल्स को देखने के लिए किया जाता है और नई टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने, दो टेक्स्ट फाइल को कंबाइंड करने के लिए काम में लेते हैं। अगर नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो अपने को करना पड़ेगा डॉलर यानी कि जो शेल का साइन है वो, कैट कमांड और ग्रेटर देन फाइल नेम। तो अगर जो फाइल नेम आप यहाँ पे दोगे वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो इस नाम की फाइल वो क्रिएट करेगा और जो भी आप उसमें इनपुट, अब जैसे ही आपने ये कमांड एंटर दबाओगे तो राइट मोड में एंटर हो जाएगा और जो भी आप कुछ उसमें लिखोगे वो उसके अंदर सेव होता है। कंट्रोल प्लस डी दबाते ही वो आपका राइट मोड से बाहर निकल के उस फाइल में सारे कमांड सारे लाइंस को सेव कर दे।
तो कंट्रोल डी का, कंट्रोल प्लस डी का उपयोग कंटेंट को सेव करने के लिए और वापस कमांड प्रॉम्प्ट या शेल मोड में काम आने के लिए उपयोग में लेते हैं। अगर किसी फाइल का डेटा देखना है अपने को तो कैट और फाइल का नाम, और क्रिएट करना है तो टोल ग्रेटर देन साइन काम में लेते हो। दो फाइल को कंबाइंड करने के लिए अपने पास जो सिंटैक्स है वो कैट फाइल वन फाइल टू और ग्रेटर देन न्यू फाइल, या रिडायरेक्शन बोल सकते हो आप, ग्रेटर देन रिडायरेक्शन ज़्यादा करेक्ट सिंबल है जो इसमें काम लेते हो। फाइल वन और फाइल टू दोनों का डेटा रिडायरेक्ट होगा न्यू फाइल में, तो दोनों का डेटा न्यू फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। इसके बाद है आरएम कमांड। आरएम कमांड का उपयोग करते हैं, इस कमांड का उपयोग होता है जो नॉन डायरेक्टरी टाइप की फाइल्स को डिलीट करने के लिए काम में लेते हैं। पहले नंबर पे इसमें ऑप्शंस है अपने आरएम कमांड, आरएम मतलब रिमूव, हाइफन डी ऑप्शन के द्वारा करते हैं अपन डायरेक्टरी और दूसरी तरह की फाइल्स को डिलीट करने के लिए इसका काम लेता है। डायरेक्टरी है और दूसरी फाइल्स नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स उनको डिलीट करना, तो हाइफन डी ऑप्शन काम लेते हैं। आरएम हाइफन एफ, इसके द्वारा उन फाइलों को भी डिलीट किया जा सकता है जिन फाइलों की राइट परमिशन नहीं होती है। अटेम्प्ट टू रिमूव फाइल्स विदाउट कन्फर्मेशन, हाइफन एफ यानी फोर्सफुली। हाइफन आई का उपयोग करते हैं किसी भी फाइल को डिलीट करने से पहले आपको पूछेगा इंटरेक्टिव मोड में, डू यू वांट टू डिलीट इट, यस और नो, वाई या एन। आप यस दबाओगे तो फाइल डिलीट होगी और नो दबाओगे तो फाइल डिलीट नहीं होगी। तो हाइफन एफ में ये आपसे पूछेगा नहीं कि आपको डिलीट करनी है या नहीं करनी, बिना पूछे सीधी फाइल्स को डिलीट कर देगा। लेकिन हाइफन आई के द्वारा ये इंटरेक्टिव मोड में जाएगा और इंटरेक्टिव मोड के अंदर ये आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। इंटरेक्टिव मोड कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे, वो फाइल को डायरेक्टली डिलीट कर देगा। हाइफन आर, अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी है तो उनको डिलीट करने के लिए हाइफन आर ऑप्शन को काम में लिया जाएगा। हाइफन वी फॉर वर्बोज इन्फॉर्मेशन, वर्बोज इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप, अगर एक फाइल के अंदर बहुत सारी सब डायरेक्टरीज हैं तो उन सब डायरेक्टरी से स्टेप बाई स्टेप दिखाए, पहले आप डायरेक्टरी वन डिलीट हो रही है, फिर डायरेक्टरी टू डिलीट हो रही है, फिर लास्ट में होम डायरेक्टरी डिलीट हो रही है, यानी सारे जो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं इस कमांड के द्वारा उन सबको स्टेप बाय स्टेप आपको शो करता है। नेक्स्ट है एमवी कमांड। इस किसी भी फाइल को रिनेम करने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। रिनेम करना है किसी फाइल को तो इस कमांड का काम मिलोगे। एमवी फाइल नेम और न्यू फाइल नेम, जो फाइल नेम है वो नए फाइल के नाम से सेव हो जाएगी, जस्ट लाइक सेव एज। किसी भी फाइल को नई लोकेशन पर मूव करने के लिए भी इस कमांड का उपयोग किया जाता है। फाइल एमवी फाइल नेम और न्यू फाइल लोकेशन, तो ये वाली फाइल उठ के यहाँ पे सेव हो जाएगी, वहाँ से हट जाएगी। नेक्स्ट है mkdir, जैसा कि नाम से लग रहा है कि मेक डायरेक्टरी, डायरेक्टरी बनाने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अब मेक डायरेक्टरी के द्वारा अपन अब यहाँ पे आप करोगे तो mkdir कमांड है और जो भी आपको नाम देना है वो यहाँ पे बना दोगे, राम नाम डायरेक्टरी बनानी है। अगर एक से अधिक डायरेक्टरी अपन को एक साथ बनानी है तो अपन कर्ली ब्रैकेट को काम में लोगे, तो यहाँ मोहन श्याम उगेता तीनों नाम डायरेक्टरीज बन जाएगी इसको। अगर अपने को कोई डायरेक्टरी बनी है उसको सब डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी है एक कमांड से ही, तो राम स्लैश मारुति और BMW, तो इससे मारुति और BMW जो कि राम डायरेक्टरी के अंदर जाके बन जाएगी। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो ls अपनी बेसिक कमांड जो लिस्टिंग दिखाता है अपने यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरी बनी हुई है पहले से। ls हाइफन a करोगे आप तो सारी हिडन फाइल्स उनको दिखा दे, डॉट लेस hst ये सारी क्या हिडन फाइल्स हैं जो कि यूनिक्स के अंदर बनी हुई होती है, वो दिखा देगा आपसे। इसके बाद है नेक्स्ट अपना mkdir। mkdir तो हमें नाम का अपनी डायरेक्टरी बनानी है तो ये इस तरीके से बना देगा। ls से आप लिस्टिंग कर सकते हो कि यहाँ पे आप देखो तो टोमी नाम से बन चुकी डायरेक्टरी। अगर मुझे एक से अधिक डायरेक्टरीज बनानी है तो mkdir जैसा कि अपन ने बताया था कर्ली ब्रैकेट डिम्पी शिम्पी
क्रिम्प, ये तीन डायरेक्टरी मुझे बनानी है। तो सिंपल स्टेप्स हैं। आप अब आप देखोगे यहाँ पे आपको गीता, क्रिम्पी, मोहन और टिम्पी और शिम्पी तीनों डायरेक्टरीज बन चुकी है यहाँ पे आप। तो ये एक डायरेक्टरी के अंदर एक साथ अधिक डायरेक्टरीज को भी आप बना सकते हो। सिंटेक्स मैं जो इसमें नोट्स में बता रहा हूँ यही सिंटेक्स है, कुछ चेंजेस नहीं, बिल्कुल करेक्ट सिंटेक्स सारे। सो mkdir के बाद अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की। नेक्स्ट कमांड है अपनी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड एक जगह से, इस कमांड का उपयोग एक या अनेक फाइल्स को किसी दूसरी डायरेक्टरी में कॉपी करने के काम में लेते हैं। सीपी कमांड में कम से कम दो आर्गुमेंट होना चाहिए, एक सोर्स होता है एक डेस्टिनेशन होता है। सोर्स जिसको कॉपी करना है और डेस्टिनेशन जिसमें कॉपी करना है आपको। सीपी ऑप्शन सोर्स और डेस्टिनेशन, तो सोर्स आपकी जिन फाइल्स को कॉपी करना है, डायरेक्टरी लास्ट डेस्टिनेशन हमेशा डायरेक्टरी होना चाहिए अगर फाइल्स को कॉपी कर रहे हो आप। थर्ड वाले जो कमांड का ऑप्शन टेक्स्ट है उसमें देखोगे तो आप सोर्स वन, सोर्स टू, सोर्स थ्री लिखा है, तो सोर्स एंड जितनी फाइल्स है उनको आप सबको डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो सीपी और इन सारी फाइलों का नाम और जिसमें कॉपी करना है वो, यानी कि लास्ट वाला जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हमेशा डायरेक्टरी होगा। हाइफन आई यानी कि इंटरेक्टिव, आप अगर फाइल को ओवरराइट हो रही तो आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू ओवरराइट इट और नॉट। हाइफन एफ यानी कि फोर्सफुली, अगर किसी भी डायरेक्टरी जिसमें आप कॉपी करना चाहते हो उसको राइट परमिशन नहीं है उस फोल्डर को, तो एफ के द्वारा फोर्सफुली उसमें आप कॉपी कर सकते हो। हाइफन आर यानी कि रिकर्सिव कॉपी, किसी भी फाइल के अंदर अगर सब डायरेक्ट किसी भी डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरीज है तो उन सब डायरेक्टरीज को एक साथ कॉपी करना है तो अपने को हाइफन आर ऑप्शन को काम में लिया जाता है। नीचे तो एग्जांपल लिए अपने सीपी ए डॉट टी एक्स टी और बी डॉट टी एक्स टी, ए कंटेंट विल बी कॉपी इनटू बी फाइल। अब यहाँ पे आपने देखा सीपी ए डॉट टी एक्स टी, बी डॉट टी एक्स टी, न्यू डॉट टी एक्स टी को न्यू किया है, तो न्यू अपने क्या है यहाँ पे डायरेक्टरी है, बाकी सारी तीनों फाइल, तीनों फाइल इस न्यू नाम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगी। सो अपन यहाँ पे देखेंगे तो कॉपी कोशिश करते हैं कॉपी करने की अपने को, सी पी हाइफन एफ क्रिम्पी को अपन को करना है रूप के अंदर। सो ओमिटिंग डायरेक्टरी बिकॉज एक सेकेंड, तो अपन देखेंगे यहाँ पे सी पी हाइफन आर, अब मैंने सपोज कर डिम्पी, डिम्पी को मैंने करना कॉपी रूप में। ओके अपन एक्चुअली अपन पहले से ही उसके अंदर है। अब आप करोगे सी पी हाइफन आर डिम्पी टू रूट, अब कॉपी हो चुका है वो। अब आप उसके अंदर घुस के देखोगे डायरेक्टरी के अंदर सी डी रूट, और फिर लिस्टिंग करोगे तो देखोगे आप यहाँ पे डिम्पी नाम की डायरेक्टरी कॉपी हो चुकी है। तो ये कुछ बेसिक सिंटैक्स है, आपको एज इट इज कमांड को रन करा सकते हो, उसमें कोई इशू बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है सी एच मोड, चेंज मोड, इसका उपयोग करता है किसी भी कमांड की फाइल जो कोई भी फाइल है उसकी परमिशन को चेंज करनी है तो उसको काम में लेते हैं इसको, जो कि अपन फाइल परमिशन नाम से पहले वीडियो बनाया था उसमें अपने डिटेल में देखा था किस किस तरीके से अपन फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट है। यहाँ पे चेंज मोड यू जी ओ यानी कि ओनर खुद है, ग्रुप के लिए कर रहा है, अदर है, ये कैटेगरी आपको बतानी पड़ेगी। प्लस यानी कि परमिशन देना, असाइन करना, माइनस मतलब उसे परमिशन छीनना, और इक्वल मतलब एब्सोल्यूट परमिशन आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही देना है। फिर आर डब्ल्यू एक्स रीड राइट एग्जीक्यूट, किस तरह की आपको परमिशन देनी है वो बताना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइल का नाम, एक तरीका तो ये वाला पैटर्न है। और दूसरा तरीका अपन जो बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हैं वो है चेंज मोड 235 टेस्ट फाइल नेम, तो 2 का मतलब क्या करना है कि ओनर के लिए डब्ल्यू वाली परमिशन सेट कर रहा है,
थ्री के लिए, थ्री मतलब और सेकंड वाली परमिशन होती है वो ग्रुप के लिए होती है जो हाइफन डब्ल्यू एक्स है, और थर्ड वाली अदर्स के लिए होती है आर एक्स होती है। इसका अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो इसको आप जो अपन इससे पहले पढ़ा था फाइल परमिशन यूनिट का जो वीडियो बनाया था उसमें आप देख सकते हो डिटेल्स में किस तरीके से किस टू को थ्री को फाइव को किस तरीके से यूज़ किया जाना है। नेक्स्ट है सीएमपी कमांड। इस कमांड का उपयोग दो फाइल्स को बाइट बाय बाइट तुलना करने के काम में लेते हैं। दो और सिंटेक्स का सीएमपी ऑप्शन फाइल वन फाइल टू हाइफन बी मतलब प्रिंट डिफरिंग बाइट्स, जो बाइट्स अलग हैं उनको आपको दिखा देगा ये, ठीक है। अब आता है डिफ कमांड यानी कि डिफरेंस कमांड। इस कमांड का उपयोग दो फाइल्स को लाइन बाय लाइन तुलना करने के लिए काम में लेते हैं। डिफरेंस डिफ कमांड ऑप्शन और फाइल्स फाइल वन और फाइल टू, तो ये लाइन बाय लाइन तुलना करता है और जो भी लाइन डिफरेंस होता है उनको आपको शो कर देता है। नेक्स्ट है कॉमन कमांड जो सी ओ डबल एफ कमांड है। इस कमांड का उपयोग दो पहले से शॉर्टेड फाइल्स को लाइन बाय लाइन तुलना करने के लिए काम में लेते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि आप शॉर्टेड फाइल्स होने चाहिए पहले से, जो कंटेंट है वो शॉर्टेड होना चाहिए पहले से, तभी ये कमांड काम करेगी। तो कमांड ऑप्शन फाइल वन फाइल टू, ठीक है। हाइफन वन काम में लोगे तो लाइंस जो यूनिक फाइल वन की यूनिक से वो दिखा, यूनिक जो लाइंस वो दिखा देगा। हाइफन टू यानी कि यूनिक टू फाइल टू वाली हो गया, और हाइफन थ्री जब काम लोगे तो दोनों में कॉमन वो वाली चीज़ें आपको दिखाएगा। सो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी। हमने कमांड्स को दो यूनिट में बांट रखा था कि इसमें बेसिक कमांड्स है और थोड़ा सा डायरेक्टरी वाले कमांड्स है वो देखेंगे। तो आशा करता हूँ जो मैंने कंटेंट बताया है और जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर टूल बताया है इसके द्वारा आप इन कमांड्स को रन कर पाओगे। और इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है आपको तो मुझे मैसेज कर सकते हो। उसके साथ ही अगर इनको कंप्यूटर पर आप रन कराओगे तो आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी यूनिक्स एनवायरनमेंट में। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। बाकी अपन जो बची हुई कमांड है वो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।